हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम एक पोएम को एनालाइज करेंगे। पोएम का टाइटल है ओज़िमेंडियास। बहुत ही फेमस पोएम है, बहुत सारे पॉप कल्चर रेफरेंसेस में इसको यूज़ किया जाता है। बहुत सारी मूवीज़ में आपको इसका रेफरेंस मिलेगा, टीवी शोज़ में, गानों में। ये पोएम बेसिकली एक इजिप्शियन फैरो की है, फैरो मतलब राजा, और उनके एम्पायर की है कि किस तरीके से एक ज़माने में उनका एम्पायर बहुत बड़ा था, वो बहुत पावरफुल थे, मगर आज जो उनकी मूर्तियां हैं, जो भी उनके एम्पायर के कुछ अंश थे, कुछ बचा ही नहीं है उसका, डिस्ट्रॉय हो चुका है सब कुछ, समय ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ये पोयम एनकैप्सुलेट करती है ये मैसेज कि कोई भी चीज़ सदा के लिए नहीं होती। कोई भी पावरफुल से पावरफुल रजीम हो, कोई भी एम्पायर हो, एक समय के बाद वो क्रम्बल कर जाता है और वो नष्ट हो जाता है। और ऑफ कोर्स स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर वेरियस एग्जाम्स लाइक SSC, बैंक, क्लैट, DSSB। हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट studyiq.com और यहाँ पे हमारी टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी फॉर SSC, CGL एंड CHSL एग्जाम। इन नंबर्स पे आप कॉल भी कर सकते हैं। तो ये है हमारी पूरी पोयम। ये एक सोनेट है, ओज़िमेंडियास एक सोनेट है। सोनेट का मतलब क्या होता है? सोनेट एक टाइप होता है एक पोयम का। सोनेट आपको हमेशा 14 लाइन्स की मिलेगी, 90% 14 लाइन्स की मिलेगी, कुछ एक्सेप्शंस हैं। और यहाँ पर एक पैटर्न होता है, कुछ एक राइमिंग पैटर्न है। और जो नाम है यहाँ पे टाइटल ओज़िमेंडियास, ये ऐसा नहीं है कि राजा का नाम ओज़िमेंडियास था। राजा का नाम इजिप्ट में Ramses II था, मगर ये पोएम लिखी थी फ्रॉम अ वेस्टर्न परस्पेक्टिव, एक वेस्टर्न राइटर ने लिखी थी। तो उन्होंने वो नाम यहाँ पे चूज़ किया है जिस नाम से एंशंट ग्रीक्स उस राजा को बुलाते थे। तो एंशंट ग्रीस में Ramses II को बुलाते थे ओज़िमेंडियास। तो यहाँ पर इनके बारे में ये पूरी पोयम है। और ये पोयम ऐसा नहीं है कि हम एंशंट टाइम के पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर हम आधुनिक युग की बात कर रहे हैं। आधुनिक युग में ओज़िमेंडियास की जो भी मूर्तियाँ थी, जो भी महान स्टैचू थे, उनका क्या हाल हुआ है, ओज़िमेंडियास को हम किस तरीके से याद करते हैं, उसके बारे में है, ठीक है। तो यहाँ पे हिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे, हम प्रेजेंट के नज़रिए से हिस्ट्री को देखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे इस फोटो को देखो, ये ओज़िमेंडियास का स्टैचू है इजिप्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हो बस टांगे बची हुई हैं, सर नीचे गिर चुका है, और जो शक्ल है यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो। तो जो पूरी पोयम है इस स्टैचू पर बेस्ड है, ओज़िमेंडियास के इस स्टैचू पर। और भी चीज़ें बोली है, मगर ज़्यादातर जो आपको मेन जो कंटेक्स्ट मिलेगा इसी स्टैचू का मिलेगा। तो ये स्टैचू देख लो, उसके बाद जब हम पोएम पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें आप रिलेट कर पाओगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये पहली दो पंक्तियाँ हैं। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड हु सेड टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन। ओके, सबसे पहले आप नोटिस करो जो स्पीकर है यहाँ पे वो एक ट्रैवलर से मिलते हैं। तो मतलब कि आगे जाके जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो इस ट्रैवलर से मिलेगी। और ये ट्रैवलर कहाँ से है, यहाँ पे डायरेक्टली ये नहीं कह रहे कि ये ट्रैवलर इजिप्ट से है। यहाँ पे पोइट्री में ऑफकोर्स आपको ज़्यादा खूबसूरती से प्रेजेंट करना होता है चीज़ों को, तो इन्होंने लिख दिया एक एंटीक लैंड से है। अब एंटीक लैंड बहुत कम यूज़ करते हैं लोग, ज़्यादातर एंशंट लैंड बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं। एंटीक ज़्यादातर वस्तुओं के लिए यूज़ होता है, मगर इन्होंने एंशंट इजिप्ट को डिस्क्राइब करने के लिए एंटीक लैंड बोला है। अब ऐसा नहीं है कि जो ट्रैवलर है ये टाइम ट्रैवलर है, समय से ये फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर आ गया। बेसिकली ये इजिप्ट से आया है और इजिप्ट को बताया कि एक प्राचीन सिविलाइजेशन वहाँ पे रहती थी, तो ये एंटीक लैंड से आया है। तो अब वो ट्रैवलर बात बताना स्टार्ट करता है। वो कहता है कि जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पे दो बड़ी ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन खड़ी हैं। वास्ट का मतलब होता है बहुत ही बड़ी, ट्रंकलेस का मतलब होता है बिना टॉर्सो के। आपने जो अभी फोटो देखी थी वहाँ पे ओज़िमेंडियास के स्टैचू की, Ramses II के स्टैचू की, आपने देखा होगा कि वो ट्रंकलेस लेग्स थी, मतलब कि ऊपर का जो टॉर्सो होता है ना, वो टॉर्सो तो था ही नहीं, ऊपर का एरिया सिर्फ दो टांगे थी, मगर वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो सबसे पहले वो इंट्रोड्यूस करते हैं कि जहाँ से मैं आया हूँ ना वहाँ पे ऐसी दो टांगे खड़ी हैं। अब यहाँ पर आगे जो हमारे ट्रैवलर हैं फ्रॉम द एंशंट लैंड ऑफ इजिप्ट वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि वो जो टांगे हैं वो डेजर्ट में खड़ी हैं, क्योंकि इजिप्ट में आपको पता है हरियाली तो है नहीं, डेजर्ट ही है, तो रेगिस्तान में वो जो टांगे हैं वो खड़ी हैं। उन टांगों के करीब क्या है, नियर देम ऑन द सैंड हाफ संक अ शैटर्ड विसेज लाइज हुज फ्राउन एंड रिंकल्ड लिप एंड स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड दैट टेल इट्स स्कल्पचर वेल दोस पैशन रेड। ऑलराइट, बहुत सुंदर पंक्तियां। यहाँ पे ध्यान दो, आपने वो फोटो देखी थी
फोटो में हमको दो टांगे दिखी, टांगों के पास क्या पड़ा हुआ था, उस राजा का रामसेस द सेकेंड का सर पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर जो विसेज वर्ड है ना, विसेज का मतलब होता है फेस, शक्ल, और शैटर्ड विसेज क्योंकि आपको पता है जो वो सर था उस पर भी कुछ डैमेज हो रखा था ओवर द ईयर्स, हवा पानी वगैरह बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आई होंगी, उसकी वजह से वो भी थोड़ा बहुत डैमेज्ड हो गया था। और आगे लिखा है एंड रिंकल्ड लिप एंड स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड। अब आगे जो आप वापस वो फोटो देखोगे उसमें आप राजा की जो शक्ल है वो आप देखोगे कि उनकी शक्ल में ही दिखता है कि एक बहुत ही अथॉरिटी वाली फिगर थे वो, मतलब कि वो एक आप कह सकते हो एक टायरेंट थे। और रामसेस सेकंड की हिस्ट्री आप वैसे पढ़ोगे तो वो टायरेंट ही थे, उन्होंने अपनी जो प्रजा थी उन पर कुछ जुल्म किए थे। मैं ये भी यहाँ पे ऐड करूँगा कि उन्होंने काफ़ी सारे और अच्छे काम भी किए थे, इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन थी वो काफ़ी हद तक वो आगे लेकर गए थे, मगर साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हो कि वो एक टायरेंट थे। तो उनकी शक्ल में ही उनका जो बिहेवियर था उसका दिखता है कि काफ़ी एक एरोगेंस दिखती है उनकी शक्ल में और अपने आप पे घमंड दिखता है। और ये जो उनकी जो पर्सनैलिटी के ट्रेट्स थे उस स्कल्पचर बनाने वाले ने बहुत ही अच्छे तरीके से रीड किया, रीड मतलब कि इंटरप्रेट किए हैं और उन्हीं को अपने स्कल्पचर में दिखाया है। और जो शक्ल में जो उनकी एक्सप्रेशन है उससे साफ पता लगता है कि जो राजा थे वो कैसे थे। और आगे की पंक्तियाँ हैं एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, माई नेम इज Ozymandias, किंग ऑफ किंग्स, लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पेयर। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर हमको पता लगता है कि जो स्टैचू है उसके नीचे कुछ लिखा भी हुआ है, जो टांगे है ना उनके नीचे कुछ लिखा भी हुआ है। लिखा ये है कि मैं हूँ Ozymandias। अब ऑफकोर्स ये ट्रांसलेशन है, जो एक्चुअल ट्रांसलेशन होगी उसमें तो रामसेस द सेकंड लिखा होगा, तो जो ट्रांसलेशन है वहाँ पे लिखा है कि मैं हूँ Ozymandias, ये काफ़ी अहंकार काफ़ी गुरूर में वो कह रहे हैं और ख़ुद को कह रहे हैं किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा हूँ मैं। और आगे कहते हैं लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पेयर, फिर कह रहे हैं कि देखो मेरा एम्पायर, देखो मेरी जो भी कॉन्क्वेस्ट हुई है, देखो कि मैंने कितना अचीव किया अपनी लाइफ में। तो ऑफकोर्स अब आज के टाइम में हम देख रहे हैं कई हज़ारों साल बीत चुके हैं उनके एम्पायर को, मगर एक समय होगा जब आसपास बहुत ही एक सुंदर शहर होगा, वहाँ पर पॉपुलेशन रहती होगी, सब कुछ बढ़िया था वहाँ पर। तो कह रहे हैं वो सब कुछ देखो, सब मेरा है, मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरी मतलब जो अकॉम्प्लिशमेंट्स है वो देखो, जो मैंने स्टैचू बना रखे हैं अपने वो देखो। और बड़ी बात है, उस ज़माने में ऐसा स्टैचू बनाना बहुत बड़ी बात थी। और जो आगे के शब्द हैं यहाँ पे कहते हैं ये माइटी एंड डिस्पेयर, मतलब कि जो भी छोटा बड़ा जो भी है देखो कि मैं कितना महान था। तो यहाँ पर बेसिकली हमको ये पता लग रहा है कि Ozymandias एरोगेंट थे और ख़ुद के जो इमेज थी उनके माइंड में वो बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड थी और अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा राजा मानते थे। अब वो जो Ozymandias का मैसेज था उस स्टैचू पर वो पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि वापस जो ट्रैवलर थे उस जगह के जहाँ पे Ozymandias एक ज़माने में फैरो थे, राजा थे, वो कहते हैं कि नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड द डीके ऑफ दैट कलोसल रैक बाउंडलेस एंड बेयर द लोन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे। तो यहाँ पर हमको ये पता लगता है कि अब जहाँ पर Ozymandias का एम्पायर था अब कुछ नहीं है वहाँ पर, सब कुछ सड़ चुका है, सब कुछ समय ने मिटा दिया। और जो वो उनका स्टैचू है उसको डिस्क्राइब करने के लिए दो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, कलोसल रैक। कलोसल का मतलब होता है भीम का है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। रैक होता है डिजास्टर, बिल्कुल ही अब जो ख़राब हो चुका है, टूट फूट चुका है, क्योंकि ओवर द टाइम ऑफ कोर्स सब कुछ जो यू नो मार पड़ी होगी उस स्टैचू को, कुछ भी हुआ होगा हमको पता नहीं, हिस्ट्री में हम सब कुछ रिकॉर्ड कर नहीं सकते, क्या पता कुछ अटैकर्स आए होंगे उन्होंने उस स्टैचू को घेर दिया होगा या कोई तूफान आया होगा तो वो स्टैचू गिर गया होगा या जो भी है। तो यहाँ पर हमको ये पता लगता है कि जो भी टायरेंट्स हैं, जो भी राजा या रूलर्स अपने आप को समझते हैं कि वो हमेशा के लिए रहेंगे, उनका एक ना एक दिन स्टैचू गिरता ही है। हम आधुनिक युग में भी देख लें, आप सद्दाम हुसैन का देख लो, वो प्रेसिडेंट थे इराक के बहुत ही लंबे समय तक, एंड में क्या हुआ, उनका भी स्टैचू, एक आइकॉनिक फोटो है, उनका स्टैचू गिरा जा रहा है। सिमिलर केस हमको नॉर्थ कोरिया में भी शायद देखने को मिल सकता है। किम जोंग उन क्या है, वो भी एक टायरेंट ही है ना, वो एक अथॉरिटेटिव वहाँ पे गवर्नमेंट चला रहे हैं नॉर्थ कोरिया में,
और हर जगह आप देखोगे उनकी फ़ोटो मिलेगी आपको, और अपने पेरेंट्स की उन्होंने मूर्तियाँ बना रखी हैं हर जगह, और बेसिकली खुद को इतना प्रमोट कर रहे हैं, काफ़ी एरोगेंट हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये यहाँ पे पोयम कहती है कि एक ना एक दिन ख़त्म होनी ही है। समय हमको ये बताता है कि बड़े से बड़े राजा का एम्पायर ख़त्म हुआ था। आज के टाइम में इंडिया में मुगल्स नहीं है, किसी ने कभी सोचा नहीं था कि इंडिया में मुगल्स गायब हो जाएंगे, इंडिया में ब्रिटिश नहीं रहे। तो हर एक रिजीम, हर एक एम्पायर का एक टाइम पे अंत आता ही आता है। और लास्ट ये जो लाइन है डिप्रेसिंग है, द लोन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे, दूर दूर तक रेगिस्तान ही दिखता है। ऐसे लगता है कि ये क्या सैड सी एक टूटी सी मूर्ति है और रेगिस्तान के बीच में खड़ी हुई है। मगर एक समय था जब धरती का एक बहुत ही पावरफुल राजा वहाँ पे रहता था, और आज जब उसका हम हाल देख रहे हैं तो वह कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड है, कम्प्लीटली लोनली अकेला खड़ा है। तो जो मेन आइडिया है इस पोयम का ऑज़िमैंडियस, वो क्या है? वो ये है कि दुनिया का कोई भी टायरेंट हो, बड़े से बड़ा रूलर हो, एक ना एक दिन वो हार ही जाता है, समय से हारता है अगर और किसी से वो ना हारे। और जो भी उसका था, जो भी एम्पायर था, जो भी उसके पास था, इट इज़ रिड्यूस्ड टू नथिंग। ऑल्दो ऑज़िमैंडियस वो काफ़ी महान थे, मगर एक टेरिफाइंग मोनार्क थे, और काफ़ी भयानक कहानियाँ भी हैं कि जो भी उनके खिलाफ खड़ा होता था तो उनको बहुत ही बुरी तरीके से वो दंड देते थे, जिंदा दफना देते थे, और बहुत सारी कहानी है। मगर आज के टाइम में हम देख सकते हैं कि बस उनका एक ब्रोकन स्टैचू बचा हुआ है। फाइनली आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हैं कि आपके हिसाब से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है इस पोयम में, ऑज़िमैंडियस कौन थे, इनके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड दिस इज़ दी एंड ऑफ आर पोयम ऑज़िमैंडियस। उम्मीद करता हूँ पोयम आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप या जहाँ भी आप चाहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड दैट्स ऑल आई हैव टू से। गॉड ब्लेस यू ऑल।